कि आईफोन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका 3,000 से स्टार्टिंग है। एंड्रॉयड की बात कर लीजिए तो एंड्रॉयड भी आपकी स्टार्टिंग 3,000 से ही है। कोई भी फ़ोन लेने से पहले उसका IMEI नंबर जो होता है उसको प्लीज़ वेरीफाई ज़रूर करिए। ये IMEI नंबर आपको कहते हैं उस पर चेक करना है एप्पल की वेबसाइट पे, और अगर ये IMEI नंबर शो कर रहा है तो फ़ोन ओरिजिनल है, वरना फ़ोन ओरिजिनल नहीं है। कोड को लेके आने वाले हर व्यक्ति को कहते हैं 500 से 300 तक का डिस्काउंट। क्योंकि आईफोन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका 3,000 से स्टार्टिंग है। एंड्रॉयड की बात कर लीजिए तो एंड्रॉयड भी आपकी स्टार्टिंग 3,000 से ही है। कोई भी फ़ोन लेने से पहले उसका IMEI नंबर जो होता है उसको प्लीज़ वेरीफाई ज़रूर करिए। ये IMEI नंबर आपको कहते हैं उस पर चेक करना है एप्पल की वेबसाइट पे, और अगर ये IMEI नंबर शो कर रहा है तो फ़ोन ओरिजिनल है, वरना फ़ोन ओरिजिनल नहीं है। कोड को लेके आने वाले हर व्यक्ति को कहते हैं 500 से 300 तक का डिस्काउंट। टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको लेने हैं तो उनके लिए सेकेंड हैंड मोबाइल की बढ़िया सी डील दिखाई है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर आए हैं नाका हिंडोला, लखनऊ की बहुत ही बड़ी मार्केट है। लोकेशन आप देख रहे हैं ये है नाका हिंडोला, और नाके में जैसे ही आप ये मेट्रो स्टेशन के जो ऊपर पिलर बने हुए हैं, ये मेट्रो लाइन है, और मेट्रो लाइन का पिलर नंबर 13 के जस्ट सामने जगत सिंह कॉम्प्लेक्स है। तो जगत सिंह कॉम्प्लेक्स में जैसे ही आप थर्ड फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ पे इनकी शॉप है। सबसे पहले तो अपनी शॉप का नाम बताइए और लोकेशन बताइए। भैया हमारी शॉप का नाम है एलकॉस्ट, ये आपके नाका इंडोला पे पड़ती है। नाका इंडोला थाना आपने देखा होगा, उस पर जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसके पिलर नंबर 13 के सामने थर्ड फ्लोर पे थर्ड ऑफिस हमारा है। ठीक है सर, इस बार एंड्रॉयड और आईफोन को बहुत बेहतरीन स्टॉक आ रखा है, आप देख सकते होंगे कलर से लेकर हर चीज़ के वेरियंट, हर चीज़ हर कंपनी आपको यहाँ पर ज़्यादातर उपलब्ध मिलेगी। और इस बार हमने जो शुरुआत की है वो लो से लेकर हाई तक और हाई से लेकर लो तक दोनों मिलेंगी आपको, एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी। और अगर आप शुरुआत की बात कर लें तो जैसे स्टार्टिंग वैल्यू से बात करते हैं तो आप ये समझ लो कि आईफोन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका 3,000 से स्टार्टिंग है, और अगर आप कहते हैं एंड्रॉयड की बात कर लीजिए तो एंड्रॉयड भी आपकी स्टार्टिंग 3,000 से। सर हम लोग को मोबाइल मंगवाना हो घर बैठे तो कैसे मंगवाएंगे? सर दो वेरियंट्स हैं हमारे, क्या जैसे अक्सर हर किसी के यहाँ होता है कि आप या तो डायरेक्ट पूरा पैसा पेड कर दो और जो डिलीवरी चार्ज है उसको मिला के आप पेड कर दीजिए, आपके पास पहुँच जाएगी, या तो आप सिर्फ डिलीवरी चार्ज पेड करिए हमें और बाकी आपको पूरा हम कहते हैं पेमेंट वहाँ पर आप घर पहुँच के पेमेंट हमें पूरा कर सकते हैं, घर पे फ़ोन आपके आ जाएगा, उसके बाद आप हैंड में फ़ोन लेके पूरा हमें कैश कर सकते हैं। डिलीवरी सर्विस जो है सर वो 12,000 के ऊपर नहीं है, 12,000 के नीचे के जितने फ़ोन हैं सब पे डिलीवरी सर्विस है, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस है। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के मेथड ये है कि जैसे आपने एक सेट पसंद किया जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं मंगाइए उसका सिर्फ 300 रुपये ही डिलीवरी चार्ज पड़ेगा। 300 रुपये डिलीवरी चार्ज आप हमें पहले पेड कर दीजिए, बाकी आप जब घर पे उस फ़ोन को लोगे तो बाकी पेमेंट आप वहाँ हमें कर दीजिए। अपनी वेबसाइट का नाम बताइए। सर एलकॉस्ट हमारी वेबसाइट है, अभी इसे हम हाल ही में 10-20 दिन के अंदर वापस चालू करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इस बार जो वेबसाइट में नई चीज़ आने वाली है वो ये है कि आपने अदर वेबसाइट पर देखा होगा कि आप सर वैसे शॉपिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, फ्लिपकार्ट पे अमेज़ॉन पे आप बार्गेनिंग कर लेते हैं उस पर? नहीं, इस बार आप बार्गेनिंग कर पाएंगे हमारी वेबसाइट पर। बार्गेनिंग का क्या रूल है कि आपने सेट पसंद किया और आपको लग रहा है कि वो आपके बजट में थोड़ा ऊपर नीचे, आप कई क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा बार्गेनिंग भी करना चाह रहे हैं, आप हमें डायरेक्ट वहाँ से लिंक से व्हाट्सएप पे आप हमें वो करिए, ज्वाइन करिए, वहाँ व्हाट्सएप पे आप जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे उसके आपको सारे आंसर ऑन द स्पॉट मिलेंगे। और अगर जैसे आपने कोई एक सेट पसंद किया है और आप बार्गेनिंग वैल्यू में क्या होता है कि जैसे आप पूरा पेमेंट ऑन कैश वहीं कर देते हो, COD नहीं करते हो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हो, तो आपका पेमेंट कन्फर्म करके आपको हम लिंक भेज देते हैं, आप लिंक से डायरेक्ट ऑर्डर कर लिए, आप हमें बता देंगे, हम डायरेक्ट ऑर्डर करके आपको भेज देंगे। सर अब शुरुआत आप देखिए, ज़्यादातर मार्केट डिमांड जो होती है वो लोगों की आईफोन की होती है, आईफोन के बाद वो एंड्रॉयड में भी आते हैं, तो शुरुआत आईफोन से ही कर लेते हैं सर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टार्टिंग प्राइस आप दिखाइए। स्टार्टिंग प्राइस की आप माने तो मैं स्टार्टिंग प्राइस में आपको सबसे पहला फ़ोन दिखाता हूँ, 4S आईफोन 4S। आईफोन की हमने स्टार्टिंग की है 3,000 रुपये से, आप देख सकते हैं क्या क्लियर है, एक सेट में आपको एक दाग नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लीन सेट है। अल्लाह ज़्यादातर लोग इसको कॉलिंग पे इस्तेमाल करते हैं, हैंडी फ़ोन है, आप इसको कान पे लगाएंगे सबसे पहले लुक पड़ता है इस चीज़ पे, लोग इसको कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैटरी बैकअप के मामले में 13 से 14 घंटे की इस पर कॉलिंग बैटरी का बैकअप होता है, बहुत अच्छी बैटरी चलती है, लिक्विड फ्रेगमेंट पर बैटरी होती है, बस चार्जर थोड़ा सा अलग आता है कि आप हर चार्जर इसमें नहीं लगा सकते, ये वाली चीज़ है। ये सर 3,000 से स्टार्ट है। अच्छा, तो जैसे कोई अदर स्टेट में अगर कोई मंगाना चाह रहा है जी और 3,000 का मोबाइल है तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा कैश ऑन डिलीवरी में? सर कैश ऑन डिलीवरी में वो 3,000 ही पेड करेंगे, ठीक है, और जो हमें पहले उन्हें पेड करना पड़ेगा मतलब डिलीवरी का चार्ज वो 300 रुपीज होता है, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं मंगाए, तो किसी भी स्टेट में हो, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, किसी भी स्टेट में हो, हाँ बिल्कुल, तो 300 रुपीज दे के आप COD में आप लोग मंगा सकते हैं।
जैसे लोगों को 5G और फिंगरप्रिंट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम आ जाते हैं 5S पे। 5S में आप देख सकते हैं आपको दो कलर के वेरिएंट्स मिल जाएंगे, एक आपको कहते हैं ग्रे मिलेगा, स्पेस ग्रे, एक आपको गोल्ड मिल जाएगा। 5S में आपको दोनों चीज़ों की अगर आप बात करें तो स्क्रीन बहुत अच्छी होती है, ये भी हैंडी फ़ोन है, बात करने से लेकर हर चीज़ में अगर आप इस पर बात करते हो तो एक लुक है, दोनों कलर आपके वेरिएंट है और दो वेरिएंट में अवेलेबल होता है, एक 32GB मिल जाएगा आपको और एक आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स कहते हैं 16GB, ठीक है सर। अब कहते हैं इसके भी ये होता है कि लोग कहते हैं कि और थोड़ा बड़ा चाहिए, और थोड़ा मतलब लुक में आ जाए, तो हम 6S या 6 पे आ जाते हैं। 6 की शुरुआत हमारे यहाँ भी यही है, सिंपल वे में 8,500 शुरुआत है, 16GB की वेरिएंट्स के साथ होता है, ऊपर से क्लाउड अपडेट होता है पूरी तरीके से। आप 6 पे बात कर लिए, 6 के आप ये कलर देख सकते होंगे, ये जितने कलर यहाँ रखे हैं ये सब आपको 6 में अवेलेबल मिलेंगे, आपको गोल्डन मिल जाएगा, स्पेस ग्रे मिल जाएगा, रोज़ गोल्ड मिल जाएगा, ये आपके 6 के कलर हैवी मोनेटेड कलर होते हैं और बहुत ज़्यादा टिकने वाले होते हैं, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये आपका हो जाता है। अब इसके बाद लोग कहते हैं कि हमें चाहिए और ज़्यादा चीज़ें, आई क्लाउड परमानेंट अपडेट हो, UPI अच्छे से चलनी चाहिए, नेट फैसिलिटी और अच्छी चाहिए, तो आप थोड़ा और बजट बढ़ा लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का बजट होता है 11 अप्रॉक्स की आईफोन को लेके, तो हम आईफोन में अगर 11 के बजट पे ले लेते हैं बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले से हर चीज़, कोई भी पार्ट स्पेयर चेंज नहीं हुआ, वाटर कहते हैं रेजिस्टेंस के साथ, तो आप हमारे आते हैं 6S पे। 6S का आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन कलर है, एक भी तरह का आपको दाग नहीं मिलेगा पूरी बॉडी पे, आप इसकी शाइनिंग देखिए सिर्फ, ये ओरिजिनल डिस्प्ले शाइनिंग है, और आप डिस्प्ले अगर देखोगे तो डिस्प्ले भी लेवल बिल्कुल A1 मिलेगा आपको, ये देखिए आप, आपको लग रहा है देख के सर कि ये लोकल डिस्प्ले है, ये प्योर ओरिजिनल डिस्प्ले है, कंपनी रेफर से सेपरेटेड सेट है ये पूरी तरीके से। सर आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि एप्पल की क्लोनिंग की जा रही है, तो दिल्ली और मैंने देखा है कि दिल्ली और मुंबई में बहुत ज़्यादा क्लोनिंग चल रही है, तो इसके विषय में बताइए कैसे पहचाने कि एप्पल फ़ोन है। ओरिजिनल आईफोन की बात क्या है कि आपने जैसे इसका प्ले स्टोर खोला, आपको प्ले स्टोर में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसमें आप प्ले स्टोर खोलोगे तो एप्पल स्टोर वो खुल जाएगा, क्या बोलते हैं एंड्रॉयड स्टोर, आपने देखा फ़ोन लेने से पहले उसका IMEI नंबर जो होता है उसको प्लीज़ वेरीफाई ज़रूर करिए, IMEI नंबर आपको मिल जाएगा यहीं पर, आप जनरल में चले जाओगे, जनरल में अबाउट में जाओगे, अबाउट में आपको ये सब सीरीज़ और IMEI नंबर मिलेगा, ये IMEI नंबर आपको कहते हैं उस पर चेक करना है एप्पल की वेबसाइट पर, और अगर ये IMEI नंबर शो कर रहा है तो फ़ोन ओरिजिनल है, वरना फ़ोन ओरिजिनल नहीं है। और इसके अलावा भी ये एंड्रॉयड में कौन कौन सी स्टार्टिंग आप कर रहे हैं? एंड्रॉयड में स्टार्टिंग भी 3,000 रुपये से, एंड्रॉयड के स्टार्टिंग में आपको दो फ़ोन मिल जाते हैं, एक कैमरा व्यू रिलेटेड, ठीक है, जो 1GB रैम पे और 16GB इंटरनल पे आता है, ये आपका 3,000 रुपये पड़ता है। यही सेम पीस एक चीज़ और आपको मिलती है, ये भी कहते हैं 3GB रैम, ये आपको मिलता है 3GB रैम 32GB इंटरनल पे, ये मोटो का है, ये ओप्पो नियो 7 है, दोनों 4G सेट है, ठीक है। और बैटरी बैकअप के मामले में ओप्पो का बैटरी बैकअप भी अच्छा है, इसका भी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। आप अगर कैमरा रिलेटेड बात कर लेते हैं तो ओप्पो है, ओप्पो का हल्का कैमरा अच्छा होता है और इसका कैमरा हल्का सा डाउन रहेगा, लेकिन आपको सारे फीचर मिलेंगे। अगर आप बैटरी बैकअप और कॉलिंग के लिए सेट लेते हैं तो ये सेट आपका बहुत अच्छा है, ये सेट हम पर्सनली भी यूज़ कर रहे हैं अपने कॉलिंग के लिए, एक बार आप इसको चार्ज करोगे तो 24 आवर्स का इसका बैकअप है नेट, कॉलिंग के से लेकर हर चीज़ की फैसिलिटीज दोनों में अच्छी है, आप 3,000 में भी अच्छा फ़ोन ले सकते हैं। 5,000 की रेंज में सेट अच्छा चाहिए तो आपका Realme C2 आ जाता है, Realme C2 बहुत अच्छा सेट है, आप स्क्रीन दे सकते हो, ठीक है, ओरिजिनल डिस्प्ले पे है, पे पूरा है, कैमरा इसका भी अच्छा है, एंड्रॉयड 1 पे ये भी बेस होता है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत क्लीन सेट है, इजी टू यूज़ है, 5,000 की रेंज में ये सेट भी बहुत बेहतरीन है, डबल कैमरे पे सेट आता है और इसका फ्लैश जो होता है वो रैलल फ्लैश होता है, मतलब जो फेस डिटेक्शन होता है वो इसके अंदर होता है, ये सेट की सबसे अच्छी खासियत है 5,000 की रेंज में। अब कुछ लोगों को चाहिए होता है कि वो थोड़ा सा रेंज बढ़ा लें, जैसे अप्रॉक्सी 6,000 की रेंज में आ जाए और उन्हें हर चीज़ मिल जाए, 4/64 मिल जाए, एंड्रॉयड 1 पे बेस मिल जाए, कैमरा अच्छा मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए, तो उनके लिए स्पेशल सेट है, वो उसे कहते हैं MIA1। MIA1 आपका आता है 4/64 की रेंज में, ठीक है, ये भी आपका सेट 6,000 रुपये में पड़ता है और इस सेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कैमरा क्वालिटी से लेकर एंड्रॉयड 1 पे बेस है, ये बिल्कुल हैंग वैंग आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, आप अगर इसको ईजिली यूज़ करोगे कोई तरह की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और इसमें भी क्लाउड स्टोरेज होता है। बड़े फ़ोनों की बात कर लें, जैसे कई लोग चाहते हैं कि जो मार्केट में नए फ़ोन आए हुए हैं 15-16 हज़ार की रेंज में वो उन्हें सस्ते में मिल जाए तो, और साथ में कंपनी गारंटी वारंटी मिल जाए, तो फिर उसके लिए लेवल पे हम कुछ सेट रखते हैं, जैसे ये है, इसे कहते हैं Vivo Y20G, ये बिल्कुल नया सेट है, अभी आप देख सकते हैं इसकी रिफ़िल नहीं उतरी है, शायद कहते हैं हमारे कस्टमर्स ना देख पाए, आप तो देख सकते होंगे सर कि रिफ़िल भी अभी इसकी नहीं उतरी है, रिफ़िल भी हमने नहीं हटाई है, ठीक है। इसका भी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये भी सेट आपका, ये आपका सेट आता है, मार्केट रेंज इसकी जो है वो 14,990 रुपये है और ये आपको हमारे पास कंपनी गारंटी वारंटी के साथ में आपको ये पीस हमारे पास मिल जाएगा मात्र 9,500 रुपये में, बिल्कुल साइड फिंगरप्रिंट के साथ है, कैमरा वारंटीज भी बहुत अच्छी होती है, उसी हिसाब से आप देखते हो
सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपके कस्टमर और आपके कमेंट जो आ रहे हैं जिसमें लोगों का कहना है कि भैया गेमिंग सेट चाहिए 10,000 की रेंज के अंदर, तो गेमिंग सेट की बात कर लेते हैं तो भैया फिर पोको की टक्कर कोई लेने वाला नहीं है। पोको का प्रोसेसर जो गेमिंग को रिलेटेड लेके आता है वो स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर आता है, ये 6GB रैम 128 इंटरनल पे मिलता है। इस फ़ोन की आप सबसे अच्छी खासियत जानते हैं सर क्या है? इसमें आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये कैमरा वाली चीज़ यहाँ पर लगा है, नाइट डिम। आप कितने अंधेरे में खड़े होइए, ये आपका फेस रीड करके ही फेस लॉक खोलेगा, जो चीज़ आईफोन के फीचर में आती है। और गजब का सेट है, कहते हैं डबल प्रोसेसर पे होता है, डेल कूलिंग दी जाती है जिससे आपका सेट कूल रहता है। हल्की सी मेटल बॉडी है, थोड़ा बहुत तो हीट करना लाजमी है, बट आप इस पर चार्जिंग लगा के गेम खेल सकते हो। सी टाइप का चार्जर, फास्ट चार्जर दिया होता है इसके अंदर। नॉर्मल आप स्क्रीन की बात कर लें तो एमोलेड डिस्प्ले पे स्क्रीन होती है, नॉच स्क्रीन है इसकी। कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कैमरा क्वालिटी फ्रंट बैक दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको कहते हैं अगर इसका स्नैपड्रैगन की और ख़ासियत बताऊँ गेमिंग को रिलेटेड लेके, तो इसमें गेम बूस्टर दिया होता है, MI का गेम बूस्टर सभी जानते हैं बहुत अच्छा है बैकग्राउंड कॉलिंग और काफ़ी चीज़ों को लेके। और स्नैपड्रैगन 845 और क्या लेंगे सर, 1080p गेम चलाने वाला और क्या चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज़ है इस गेम के अंदर, बहुत चीज़ है। अब लुक के मामले में सैमसंग की डिमांड कर लेते हैं, जैसे लोगों को सैमसंग की हमेशा से वारंटीज़ रहती हैं कि वो सैमसंग ही लेंगे, उनको कहीं जाना नहीं है, वो सैमसंग उन्होंने फिक्स करके रखा है। सैमसंग में आ जाते हैं A50 में, A50 में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अपनी स्क्रीन से लेकर हर चीज़। जैसे आपका ये सेट है, ये सैमसंग A50 है, आप क्लीनिंग देख सकते हैं सेट की कितनी अच्छी क्लीनिंग है। ये ऐसे ही एक फिनिश सेट आपके हाथ में आएगा, इसमें कहते हैं फ्रंट फिंगरप्रिंट मिलता है। ऊपर से इसकी कहते हैं एमोलेड डिस्प्ले होती है, सैमसंग की खासियतों के साथ होती है। मार्केट रेंज जब ये लॉन्च हुआ तो काफ़ी महंगा था, इस बार हम इसे जो दे रहे हैं वो मात्र 10,000 रुपये में दे रहे हैं। 10,000 में भी रेंज क्या है अगर वो ऑन कैश पेमेंट करते हैं हमें, ठीक है, और रेवन्यूज रहते हैं उनके वो यहीं आके पिक करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहता है, तो हम उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी कर देते हैं नॉर्मल वेरिएंट्स में जैसे लोगों का रहता है। अब इसको अगर आप ऑन करके देखें तो आप कहते हैं इसके क्वालिटी बता सकते हैं, आप इसके ये देख सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन स्टार्टिंग चल रहा है, ये फ़ोन अभी पहली बार खुला है, आज ये आपके सामने पहली बार खुला है, आप ये देखिए क्वालिटी वाल्टी हर चीज़ को लेके बिल्कुल क्लियर है, नॉर्मल कहते हैं रिफ्लेंस पे रहेगा सर। और ये देखिए कलर कितना अच्छा है, इसे रेनबो ग्रे कहते हैं। अगर आपको गेमिंग में सेट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, अब कहते हैं सारी फैसिलिटीज़ हों, चार कैमरे भी हों, कम बजट है, 10,000 रुपये में लेना भी है, हर चीज़ चाहिए मार्केट रेंज में, तो ये आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस आ जाता है। इसे कहते हैं Redmi Note 8 Pro, आप लुक देख सकते होंगे ग्रीन ब्लैक प्लस फिनिश पे है, ये कलर वेरिएंट्स आप देख सकते हैं, मेटल बॉडी सेट है, लुक के मामले में बहुत अच्छा सेट है ये, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, 4K पे कैमरा शूटिंग भी दी हुई है, आप इस पर शूट भी कर सकते हो इजिली, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा सेट है, मैं इसको पर्सनली खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। और ये आपका 628 पे आता है, पबजी की भी काफ़ी अच्छी सपोर्टिंग है इसके अंदर, पबजी आप खेलें चाहे फ्री फायर खेलें, काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स है हर चीज़ को लेके। और IMEI पे आता है, IMEI बेस आप भी जानते हैं गेमिंग और उसके लिए डिस्प्ले के लिए बहुत फेमस है। ये देखिए आप इसकी कैमरा क्वालिटी के साथ, मैं आपको इसकी कैमरा क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ, ये इसका कैमरा लेवल है, क्या कहते हैं सर कैसा है कैमरा लेवल इसका? बहुत अच्छा कैमरा लेवल है। और इसका प्राइस क्या होने वाला है सर? इसका प्राइस मात्र होने वाला है कहते हैं 9,599 रुपये, और बिल्कुल वेल फिनिश क्लीन सेट है, एक भी तरह का आपको पूरी बॉडी पे दाग या किसी चीज़ की वो नहीं मिलेगी, और 2.3 जैक सपोर्टेबल है, मतलब आप खुद का जैक भी लगा सकते हो, जो DJ में अलग से जैक आता है जिसमें आपको पिन एग्जट करनी पड़ती है उसको भी कर सकते हो, अगर उसमें सी टाइप रेडल है तो सी टाइप रेडल भी आप इस पर सपोर्ट करा सकते हो। ये मेरा सेट है, ठीक है, ये पिक्सल 2 XL है, ये भी हमारे पास मार्केट डिमांड में अवेलेबल है, ठीक है। आप इसकी एक ज़रा छोटी सी चीज़ देखिए, क्या आप ये 3D वेव देख पा रहे हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको कैमरे क्वालिटी मिल रही है। ये पिक्सल 2 XL है, इसकी आपको सबसे बड़ी खासियत पता है, जैसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बहुत स्टोरेज चाहिए, गूगल ने बहुत स्टोरेज दे रखी है, 1 TB स्टोरेज दे रखी है, क्लाउड इसका पूरा फ्री है, गूगल की आने वाली सारी सर्विसेज, सबसे पहला एंड्रॉयड आपको मिलेगा, सारी सर्विसेज आपके लिए सब फ्री है, चाहे आप यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के लिए के बात कर लो, ड्राइव के लिए के बात कर लो, हर चीज़ फ्री है। और कैमरा क्वालिटी बेहतरीन, आपको ये कैमरा क्वालिटी दिख रही है सर? बहुत अच्छी है, ये कैमरा क्वालिटी आईफोन को टक्कर देने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का होगा, एक अंदाज़ा? ये होगा मेरे ख्याल में 20 मेगापिक्सल। सर 12 मेगापिक्सल है ये, और ये अकेले में अपने आपको 148 मेगापिक्सल के कैमरे को टक्कर दे सकता है।
और स्टोरेज की अगर बात करें तो जैसे जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उनको स्टोरेज की बहुत दिक्कत होती है, तो उसके उन लोगों के लिए बेस्ट मोबाइल है। आपने डायरेक्ट इसमें वीडियो डाली, उसके बाद आपने ड्राइव अपलोड कर दी, 1 TB आपको पहले मिलेगी, 1 TB स्टोरेज कंप्लीट करने के बाद 1 TB आपको और अपग्रेड हो जाएगी। सेम पिक्सल में आप अपलोड करते रहिए, ड्राइव आपकी बिल्कुल फ्री है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई और चीज़ लेने की, सिर्फ ये पिक्सल अपने आप में काफ़ी है, उसको हम कहते हैं पिक्सल 1। सेम चीज़ है सर, कैमरा क्वालिटी आप देख लीजिए, 8 MP का इसका दमदार कैमरा है, आप देख सकते हैं, और इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, अनलिमिटेड हर चीज़ है आपकी भी। और ये फ़ोन का प्राइस आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा अंदाज़ा? इसका अंदाज़ा अराउंड 15,000। नहीं नहीं सर, बहुत ज़्यादा हो गया, मात्र 8,500 रुपये। तो सर हम लोग की वीडियो देख के अगर कोई भी यहाँ पे परचेज करता है या कोई भी वेबसाइट से ऑर्डर करता है तो क्या क्या डिस्काउंट होने वाला है, कैसे आप लोग सेल करोगे? ये सर का कूपन कोड है, इस कूपन कोड को लेके आने वाले हर व्यक्ति को कहते हैं 500 से 300 तक का डिस्काउंट ऑन द स्पॉट मिलता है। ये है Vivo Y93, देख सकते हैं, बड़ा प्यारा आता है सर, कलर बहुत प्यारा आता है, ये आपके बजट में भी आता है। अच्छा, 7500 रुपये में आपको हर चीज़ मिल जाती है। 7500 रुपये जी सर। तो इसमें कैमरा क्वालिटी क्या रहती है, कितने पिक्सल रहता है? कैमरा क्वालिटी वैसे तो इसकी पिक्सल 5 और 3 MP पे बैक है, सॉरी 5 और 8 MP पे बैक है और 5 MP का फ्रंट है, लेकिन आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। नॉर्मल कैमरे के बताए, इन्होंने वीवो ने जो सेट निकाला था उस समय जब ये सेट निकाला तो इसको 18,000 की रेंज में इन्होंने निकाला था, ये आपका आता है 364 पे। लेकिन आप अगर इसकी बात करो तो ये सेट आपको बहुत क्लियरिटी मिलती है, सेट से लेकर फिंगरप्रिंट भी आपको है। ये आपके सेट को अगर टक्कर की आप सीधी बात करो तो Vivo V9 Pro के आपने नाम सुना होगा, Vivo V9 जो आता था उसके टक्कर का सेट है ये अपने आप में। कस्टमाइजेशन की अगर बात करें कि कोई सेट अगर उनको चाहिए, मतलब किसी को भी ऑल ओवर इंडिया चाहिए, तो आपके पास अगर नहीं अवेलेबल है तो आप लोग कैसे सेल करते हो? सर कस्टमाइजेशन की अगर बात कर लें तो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर जैसे हमारे कस्टमर की डिमांड है और उन्हें चाहिए तो हमें एडवांस पेमेंट कर दें, उसका कहते हैं 35% से 50% तक हमें कहते हैं एडवांस पेमेंट बुक कर दें, ठीक है, उसके बाद हम सेट मंगा के उन्हें तुरंत ऑर्डर प्लेस करा देते हैं, वो डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ें भी हम देते हैं, कई लोगों को कलर ऐसे चाहिए होते हैं जो हम नहीं रखते हैं, ज़्यादातर डिमांड में नहीं होते, जैसे ग्रीन कलर जो होता है iPhone 11 का नहीं डिमांड में, अब उन्हें वो चाहिए, उन्हें वो कलर पसंद है, तो हम ऐसे कस्टमाइजेशन ऑर्डर मंगा लेते हैं। एलकॉस की खासियत हमने सुनी है कि यहाँ पर गिफ्टिंग सिस्टम भी है सर, आपके लिए कि कस्टमर्स के लिए? दोनों के लिए। सिंपल सर चीज़ है, जैसे आपने फ़ोन हमारे यहाँ से लिया, आपको फ़ोन पसंद आया कि आपने कहा कि यार बहुत इजी फ़ोन है, यूज़ कर रहा हूँ, हैंडी फ़ोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं किसी और को भी सजेस्ट करता हूँ, तो जैसे जिस दिन आपके यहाँ से आने वाले 10 कस्टमर हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, उस दिन हम आपको कहते हैं ये गिफ्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं एप्पल का है, एयरपॉड प्रो कहते हैं इसे, ये है एयरपॉड प्रो, ये एप्पल के एयरपॉड है जी सर। तो बात करें होलसेल की, अगर कोई शॉपकीपर है या कोई डीलर है वो आपसे परचेज करना, लखनऊ में बैठे बैठे आप लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया सजेस्ट करते हो और सेल करते हो? हाँ सर बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया भी कहते हैं हमारे पास से लोग आते हैं, ठीक है, अपनी अपनी दुकानों के लिए सामान लेने। ऑर्डर क्वान्टिटी क्या रहती है? सर 5 पीस ऑर्डर मिनिमम क्वान्टिटी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सेकेंड थिंग ये रहती है कि हमने होलसेलर्स को भी एक चीज़ प्रोवाइड कर रखी है जो शायद इस समय कोई होलसेलर को प्रोवाइड करने वाली चीज़ें नहीं प्रोवाइड करती, जैसे कंपनी बोलती है कि आप फ़ोन बेचोगे तो हम गारंटी वारंटी चालू करेंगे, वैसे हमने बोल रखा है कि जब आपको हमने फ़ोन दे दिया, जब आप कस्टमर को बेच दोगे तब हम 7 डेज़ की वारंटी चालू करेंगे, उसके बाद वो हमसे संपर्क करें अगर कोई प्रॉब्लम फ़ोन में होती है तो।